क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट लिव्स ऑन द ग्राउंड यूज सेलेस्टियल लाइट। सेलेस्टियल लाइट, सेलेस्टियल लाइट क्या है? सेलेस्टियल लाइट इज सनलाइट। आपके बुक में वर्ड दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेलेस्टियल लाइट इज सनलाइट। द टेस्टियल प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट यूजेस सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट यू नो दैट द लाइट कंटेन स्पेक्ट्रम, द विजुअल लाइट कंटेन स्पेक्ट्रम। यहां फोटॉन आ रहा है, लाइट आ रही है, उसको आप प्लीज उसे बुझाएंगे तो उसमें कितने कलर होंगे? सेवन कलर होंगे, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो वायलेट वायलेट दिखा जब होंगे, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसको यूवी कहेंगे, और आर के ज्यादा जिसका जो है होगा वेवलेंथ उसको इंफ्रारेड कहेंगे, यही कहेंगे। तो ये जो है वेवलेंथ इनका 700 है, इसका लगभग 450 म्यूएम है। तो अब इसके बाद जो 400 वाला अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, तो किसकी पेनिट्रेशन क्षमता ज्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, वेवलेंथ जिसकी कम होगी माने फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वेवलेंथ जब कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज ये तो जमीन पे आएगी तो खतरा करेगी। कौन बचा रहा है इससे? ओजोन लेयर बचा रही है। अब जो विजिबल लाइट है ये कैसी लाइट है बच्चों? विजिबल लाइट। इस विजिबल लाइट में अगर स्पेक्ट्रम से इसको बुझाने तो इट कंटेन 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब यहां पर ब्लू ब्लू एंड रेड, दिस टू कलर आर यूज बाय ग्रीन प्लांट। तो लिख लीजिए ब्लू क्वालिटी ऑफ लाइट की मैंने बात करी थी, तो यही क्वालिटी ऑफ लाइट है ब्लू एंड ग्रीन नहीं रेड। ब्लू एंड रेड कलर लाइट इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्यों ग्रीन लाइट क्यों नहीं? ग्रीन लाइट क्यों नहीं? रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि ग्रीन कलर का तमाम फील है उसे, वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देगा, दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट यूज्ड। तो ब्लू एंड रेड कलर लाइट यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट, तो क्वालिटी ऑफ लाइट हो गई।
लेकिन जो बहुत नीचे गहराई में रेड एलगी है वहां तक तो ये रेड कलर जा ही नहीं पाएगा। इसका वेवलेंथ बहुत कम है, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। समुद्र में 500 मीटर से नीचे एकदम डार्क होता है, 500 मीटर के ऊपर तक लाइट जाएगी, लेकिन वहां भी बहुत जो ऊपर है एलगी उन्हीं को मिल पाएगा ग्रीन लाइट, रेड और ब्लू लाइट, लेकिन वहां पे जाते जाते तो लिख लीजिए रेड एलगी, रेड एलगी फाउंड इन डीप सी, फाउंड इन डीप सी। क्यों इन्होंने रेड कलर डेवलप किया, क्यों रेड कलर पिगमेंट डेवलप किया? सारे पौधे दुनिया के ग्रीन कलर रहते हैं, इनको रेड कलर डेवलप करने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वहां पे अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट डेवलप करेंगे, रेड लाइट जा ही नहीं रही है तो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो रेड एल्गी फाउंड इन डीप सी वेयर ग्रीन कलर लाइट इज अवेलेबल, वेयर ग्रीन कलर फाउंड इन सी लिख दीजिए, फाउंड इन सी वेयर ग्रीन कलर लाइट is used for photosynthesis. Acha. In the deep sea, where celestial light is not available, जहां celestial light पहुंची नहीं गई है वहां क्या होगा? हाँ, वहां कैसे, कौन सी एनर्जी यूज होगी? Yes. In deep sea, where celestial light, आपकी बुक में celestial लिखा है इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, sunlight. In deep sea where celestial light is not available, वहां डीप सी में जितने एनिमल प्लांट हैं उनको पता ही नहीं कि सूर्य की भी रोशनी होती है, नहीं पता है, क्योंकि वहां वो लाइट पहुंच ही नहीं पाती है। दे लिव्स इन डार्क, दे लिव्स इन डार्क एंड दे यूज हाइड्रोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो समुद्र के उस इलाकों को कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट, उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोथर्मल वेंट। अब ये प्रश्न उठता है कि वहां इनको पानी गर्माने कौन देता है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी कहां से आ गई? तो सी वाटर कंटेन इन डीप सी, इन डीप सी हाइड्रोसल्फाइड इज प्रेजेंट, लिख लीजिए इन डीप सी हाइड्रोसल्फाइड इज प्रेजेंट विच इज यूज बाय कीमो ऑटोट्रॉप्स विच इज यूज बाय कीमो ऑटो ट्रॉप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड एंड यूज एज एंड इट इज यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहां H2S कार्बन डाइऑक्साइड की कमी तो है नहीं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कमी नहीं होगी, 6CO2+12H2S कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। अब यहां क्या हुए, C6H12O6 प्लस
सिक्स ईयर टू ओ प्लस 12 ईयर्स। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ शुरू हुआ पहले कीमो ऑटोट्रॉप्स ही बने, पहले कीमो ऑटोट्रॉप्स बने, इसके बाद धीरे 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 तक फोटो ऑटोट्रॉप्स बने, ठीक है ना। तो यहां पे हाइड्रोसल्फाइड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, और ये भोजन बनेगा उससे एनर्जी बनेगी, तो इस तरह से ये लोग यूज करते हैं। तो आप देखिए कितना फिजियोलॉजी चेंज हो रहा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस तरह से असर पड़ रहा है जीवों पे। पानी के अंदर बहुत गहराई पे ऊपर है तो चलो ठीक है, उनको जो है फोटोसिंथेसिस हो जा रहा है, लेकिन नीचे है जहां नहीं मिल रहा है तो अलग तरह से कीमो ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन बना रहे हैं। तो ये तो रहा बच्चों क्वालिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑल्सो इंफ्लुएंस इंफ्लुएंस ऑर्गेनिजम्स। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑल्सो इंफ्लुएंस ऑर्गेनिजम। आप देखिए कोई प्लांट जैसे यहां पे ये बहुत बड़ा एक प्लांट फैक्ट्री है और पूरी एरिया घेरे हुए है, और यहां भी जंगल में बहुत बड़ा पेड़ है। अब इसके नीचे जो पौधे हैं यहां, क्या ये ग्रो करते हैं ज्यादा? क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि जो सन की लाइट आ रही है तो पूरा इस पे हो गई और ये पौधे छाया में हो गए, तो इनको कहेंगे सियोफाइट्स। सियोफाइट्स द प्लांट विच आर ग्रोइंग इन द इन अंडर द कैनोपी। कैनोपी मींस द फॉरेस्ट में एक लेयर बड़े बड़े ट्रीज का है, जैसे मुंबई या बड़े शहरों को देखें वह कैनोपी या बिल्डिंग है, कोई 25 तला है, कोई 10 तला है, कोई 5 तला, उसी में एक बीच में झुगी झोपड़ी है, कैनोपी बन गई। तो यहां पर लेयर होता है, बहुत सारा कैनोपी है, तो कैनोपी में जो बड़े बड़े वृक्ष है उनको तो लाइट मिल रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है, लेकिन जो नीचे है उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब इनको जितना लाइट मिल रही है जो इंटेंसिटी क्या इनको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो गई? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो गई? लो हो गई। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो हो गई तो इनका ट्रांसमिशन कम होगा, मिनरल वाटर कम लेंगे, ट्रांसमिशन जब ज्यादा होगा तो मिनरल ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस कम होगा, ग्रोथ कम होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिख लीजिए, द प्लांट विच आर ग्रोइंग अंडर कैनोपी, कैनोपी मींस अंडर लार्ज ट्री, द प्लांट विच आर ग्रोइंग अंडर कैनोपी, ये टर्म यूज किया गया है, कैनोपी अंडर लार्जर ट्री, ऐसे लिख लीजिए, अंडर अंडर लार्जर ट्रीज इन फॉरेस्ट आर गेटिंग लेस, वेरी लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरी लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट और लो लाइट, सो दे डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, दे डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, एंड सच प्लांट आर कॉल्ड एज सियोफाइट्स। CIOPHYTES पूछा जाएगा, हेलोफाइट्स लिविंग इन साल्ट वाटर साल्ट एरिया, सियोफाइट्स लिविंग इन शेड, लिविंग इन शेड छाया में, बिल्कुल उनको धूप नहीं मिल रही है, सियोफाइट्स हो गए छाया में हो गए, तो उनका ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। एक और बात है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, देखते हैं कि अलग अलग वैरायटी के प्लांट अलग अलग सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, गेहूं का सीजन अलग है, धान का सीजन अलग है, मैंगो का सीजन अलग है, ये 12 महीने फ्लावरिंग क्यों करें, क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें जो फोटो पीरियडिज्म, लिख लीजिए, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट
ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन्फ्लुएंसेस फ्लावरिंग इन प्लांट. ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन्फ्लुएंसेस फ्लावरिंग इन प्लांट. द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट बियर्स फ्लावर इन डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन, जैसे कोई प्लांट है यहां एक निश्चित सीजन में जब प्रॉपर उसको लाइट प्रॉपर समय तक मिला, पत्तियों में लाइट पड़ा, पत्ती पे यहां पे हार्मोन फाइटो हार्मोन बने, सो द फ्लोएम फाइटो हार्मोन कम्स, देन यहां जो नोट्स है वहां पे जो है प्राइमर्डियल फ्लावर बड बना, फ्लावर बड से क्या बन गया, फ्लावर बन गया, तब जाके उसमें गैमिट बनेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, सीड और फ्रूट बनेगा. तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट इंप्रेस ब्लॉगिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियड. तो इस तरह से इंफ्लुएंस करता है. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं द फोटो पीरियड एंड फ्लावरिंग इन प्लांट इंफ्लुएंसेस इट्स रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. भाई सीड्स और फ्रूट्स बनेंगे, सीड बनेगा तभी तो फिशर प्रोपेगेशन होगा, फ्रूट बनेगा तो और सारे एनिमल खाएंगे, उनका भी जीवन चलेगा. यहां लंगूर मंकी क्यों आ जाते हैं आपके विद्यालय की तरफ जंगल में से, क्योंकि जंगल में खाने के लिए फल ही नहीं उनके पास है, वहां वैसे पेड़ है नहीं, तो मूव करते हैं उसी पे. हमने एक ट्रैप बनाया हुआ है कि वहां पे हम लोग को सीड्स स्प्रेड कर देना है सीजन में, उसकी गुठली उसके सीड्स, ताकि वो कुछ साल में वो पौधे में बदल जाए फ्रूट वाले, और फिर जो जंगली फल भक्षी उनको भोजन मिले. तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स किसके ऊपर डिपेंड है, फोटोपीरियडिज्म के ऊपर. निश्चित ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलेगा फोटोपीरियडिज्म, है ना, फोटोपीरियस जब प्रॉपर होगा तभी उसमें फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अब इसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बताया था हमने कैरियर एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी. ग्रीन एल्गी तो सतह पे ही है, पानी की सतह पे. ब्राउन एल्गी भी लगभग थोड़ा नीचे, लेकिन रेड एल्गी एकदम अंदर में. तो उनको ग्रीन पिगमेंट को छोड़ के रेड पिगमेंट बनाना पड़ा. क्यों? क्योंकि वहां पे रेड लाइट नहीं पहुंचती, वहां पे ग्रीन लाइट पहुंचेगी. तो ग्रीन लाइट को लेने के लिए रेड कलर का पिगमेंट चाहिए. जैसे ग्रीन रेड लाइट को लेने के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल बनाया, वैसे ही अब रेड पिगमेंट बनेगा किसको, ग्रीन कलर के लाइट को ट्रैक करने के लिए. तो रेड एल्गी में अंदर समुद्र में गहराई में होते हैं, इसलिए वहां रेड कलर का पिगमेंट डेवलप होता है, ताकि ब्लू और रेड लाइट तो पहुंच नहीं रही है, ग्रीन लाइट अगर पहुंच रही है ग्रीन लाइट, तो उसकी नदी को ट्रैक कर सके. दैट इज क्लियर. तो ये क्वेश्चन मार्क दिया है आपकी बुक में, उसको देख लीजिएगा कि क्यों ऐसा करते हैं. टू एब्जॉर्ब द लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट विच इज अवेलेबल देयर.